लिए कपड़ा ली हूँ। देखिए इसकी लंबाई है 26 इंच, चौड़ाई है 11 इंच। देखिए नीचे अस्तर है, बीच में फोम है, ऊपर से मेन कपड़ा है। इसको रखकर इस तरह चारों साइड से सिलाई लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ जिप सिलाई करेंगे। देखिए फिर इसको यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेना है। इसी साइज का जिप लेंगे। देखिए जिप को कपड़े के ऊपर इस तरह उल्टा रख कर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। देखिए जिप सिलाई कर ली हूँ। देखिए कपड़े को दबाते हुए ऊपर से टोपी से सिलाई लगा दी हूँ। देखिए ये जिप इस तरह निकाल लेना है। इसमें इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखकर यहाँ से सिलाई लगा देना। देखिए जिप सिलाई कर ली हूँ। कपड़े को दबाते हुए ऊपर से टोपी से सिलाई कर दी हूँ। देखिए इसमें रनर डालेंगे। देखिए जिप में इस तरह से रनर को डाल लेना है। देखिए एक ऐसा अस्तर लेंगे, इसकी चौड़ाई है 11 इंच और लंबाई है 9.5 इंच। देखिए इसको यहाँ से ये 9.5 इंच है, इधर से देखिए थोड़ा सा आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा देना। देखिए आधा इंच कपड़े को फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा दी हूँ। देखिए ये जिप सिलाई किए हैं, इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। देखिए और चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। देखिए चारों साइड से अस्तर सिलाई कर ली हूँ। इस तरह से पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बैक हैंगर बनाने के लिए ऐसा 2 पीस कपड़ा लेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 22 इंच। देखिए दोनों कपड़े का लंबाई चौड़ाई सेम है। देखिए इसके बीच में इस तरह से एक कपड़ा रख लेंगे। फिर इसको इस तरह फोल्ड करके, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देना है। दूसरे स्टिप में भी इसी तरह बीच में इस तरह से कपड़ा रख लेंगे और इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से भी 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए स्ट्रेप को, हैंगर को देखिए इस तरह से रखकर यहाँ सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड इसी तरह, देखिए यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से भी 2 इंच पर मार्क लगा लेंगे। देखिए दूसरे हैंगर को, देखिए यहाँ इस तरह रखकर यहाँ सिलाई लगा देना। देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड हैंगर सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद देखिए ऐसा 2 पीस कपड़ा लेंगे। देखिए इसकी लंबाई है 26 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। दोनों पीस का लंबाई चौड़ाई सेम है। देखिए इसमें भी नीचे अस्तर है, बीच में फोम है, ऊपर से मेन कपड़ा है। रखकर चारों साइड से सिलाई लगा देना है। इसमें भी इसी तरह से देखिए सिलाई लगा देना है। फिर इसको इस तरह रखकर यहाँ सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड देखिए इसी तरह से यहाँ रखकर इसको भी सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ, दोनों तरफ सिलाई लगा दी हूँ। इसको इस तरह सीधा रख लेंगे। देखिए ऐसा कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह कपड़े को रखकर यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ, दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी हूँ। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ऊपर से टॉपी से सिलाई कर देंगे। देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से टॉपी से सिलाई कर देंगे। देखिए टॉपी से सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद देखिए कपड़े को थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह, देखिए ऊपर से टॉपी से सिलाई कर ली हूँ। इसमें भी देखिए कपड़े को थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर सिलाई लगा देना। देखिए
सिलाई लगा दी हूँ, दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी हूँ। फिर इसको बीच से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। देखिए बराबर फोल्ड करके यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे, फिर इधर से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए एक बॉक्स बना लेना है, दूसरी साइड भी इसी तरह। देखिए यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इधर से भी 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए एक बॉक्स बना लेना है, फिर इसको कटिंग कर लेना है। देखिए इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है, दूसरी साइड भी इसी तरह कटिंग कर लेना है। देखिए इसके बाद इसको इस तरह रखकर, देखिए यहाँ से इस तरह फोल्ड करके, देखिए इस पूरे में सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह, देखिए थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दिए, दूसरी साइड भी सिलाई लगा दिए। देखिए इसको इस तरह रख लेंगे, ये वेलक्रो है, यहाँ रखकर सिलाई लगा देना है। एक दूसरी साइड रखकर यहाँ सिलाई लगा देना। देखिए वेलक्रो सिलाई कर लिए, दूसरी साइड भी सिलाई कर लिए। इसको इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको सिलाई लगा देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह, देखिए यहाँ से इसको सिलाई लगा देना। देखिए सिलाई कर दिए, इधर भी सिलाई कर दिए। इसके बाद पाइपिंग सिलाई करने के लिए ऐसा कपड़ा लेंगे, इसको इस तरह रखकर सिलाई कर लेंगे, फिर इसको इधर से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से कपड़े को इस तरह सिलाई लगा देना है, फिर थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देखिए पाइपिंग सिलाई कर लिए, दूसरी साइड भी पाइपिंग सिलाई कर लिए। देखिए इसको इस तरह, इसको भी सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ से इसको भी सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दिए, दूसरी साइड भी सिलाई लगा दिए। इसके बाद इसमें पाइपिंग सिलाई करेंगे, कपड़े को इस तरह रखकर सिलाई कर देना है, फिर थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई कर देना है। दूसरी साइड इसी तरह कपड़े रखकर सिलाई लगा देना है और थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देखिए दोनों साइड पाइपिंग सिलाई कर लिए, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे, इस तरह से बैग बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है, देखिए इसका बेस कितना अच्छा बना है। आगे में एक जीपर पॉकेट है और ये मेन पॉकेट है। फ्रेंड्स मेरा बैग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।